नाजरीन सिप सिटी स्पेशल प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं आपकी होस्ट नताशा रहमान। नाजरीन, अगर हम किसी भी फील्ड में देख लें तो हमें ख़वातीन पेश पेश नज़र आती हैं। लड़कियां हर फील्ड में आगे जा रही हैं कामयाबी से और पाकिस्तान का नाम रोशन कर रही हैं। खेल के मैदान की बात करते हैं तो खेल के मैदान में भी बहुत सी प्लेयर्स ऐसी हैं जिन्होंने बैन-अल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन किया है और आगे गई हैं। और आज स्टूडियो में हमारे साथ ऐसी ही एक टेनिस प्लेयर उश्ना सुहेल मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम उश्ना, क्या हाल चाल है आपका? ठीक ठाक। मुझे सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? आजकल बस नेशनल टेनिस एक्टिविटी हो रही है हमारी, फिर इंशाल्लाह साफ गेम्स नेपाल में आ रही हैं फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर में, तो उसके लिए प्रेपरेशंस हैं। सो हम ट्रैवल करेंगे इंशाल्लाह ऑन द 29th of November, और ये फ़िलहाल लाइक आजकल टेनिस मेनली मसरूफियात इसी एक्टिविटीज़ में रिलेटेड। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि टेनिस काफ़ी ज़्यादा मुश्किल खेल भी है और इसका रैकेट काफ़ी वज़नी होता है, तो बचपन में कैसे इसको उठाना स्टार्ट किया था और कैसे खेलना स्टार्ट किया था? पैशन कहाँ से हुआ था कि आपने स्टार्ट करना है टेनिस ही खेलनी है और टेनिस प्लेयर बनना है? आई थिंक सबसे पहले आई वुड से टेनिस वाज माय फैमिली स्पोर्ट, और मेरे फादर बहुत पैशनेट थे इस गेम के बारे में, और मेरे फादर की साइड पे मेरे लिए गेम थी। तो मेरा पैशन डेवलप हुआ था जब मैंने टेनिस मैचेस टीवी पे देखे थे, एंड उधर से मुझे शौक डेवलप हुआ था इस गेम का। एंड फिर आगे जाकर जब मतलब मेरे फादर मुझे क्लब लेके गए थे जहाँ पे वो खेलते थे टेनिस, सो दैट्स हाउ आई थिंक आई गॉट इंट्रोड्यूस्ड टू द गेम। और उस तरह से फिर जब मैंने लाइक स्टाइल थोड़ा सा, जब मैं प्लेयर्स को टीवी पे देखती थी मैं कॉपी करके खेलती थी उस तरह, तो जो कोचेस थे वो नोट करते थे कि मेरे में पोटेंशियल है, मेरा स्टाइल वगैरह नेचुरल था, एंड आई थिंक दैट्स हाउ आई गॉट इन टू दिस गेम। और फिर आगे नेशनल लेवल पे भी जब जूनियर्स मैंने अच्छा करना शुरू किया, तो एक कोचेस के साथ साथ पेरेंट्स को भी थोड़ी, मेरी मदर को भी मोटिवेशन हुई टू सपोर्ट मी। अच्छा, घर वालों ने कितना सपोर्ट किया था? बाबा ने तो आपको सपोर्ट कर दिया, उसके अलावा मामा ने, बहन भाइयों ने कुछ कहा तो नहीं कि नहीं आपने ये टेनिस की तरफ नहीं जाना? नहीं, एक्चुअली जब मैं स्कूल भी जाती थी बचपन में, तो जब मैं ब्रेक टाइम पे मैं अपना रैकेट टेनिस का लेके जाती थी, तो मुझे याद है स्कूल में मैं अपने रैकेट और बॉल के साथ, बॉल के अगेंस्ट जो कैफेटेरिया के पीछे बॉल थी मैं उधर हिट करती थी, सारे इकट्ठे हो जाते थे और मेरे फ्रेंड्स भी इंजॉय करते थे और वो बहुत अप्रिशिएट करते होंगे तो फिर ज़्यादा मोटिवेशन। प्रिंसिपल शुरू शुरू में थोड़ी सी कहती थी बॉल ख़राब हो जाएगी, बट बाद में यू नो देन एज आई मूव्ड ऑन मेरे माशाल्लाह रिजल्ट्स भी गेम में अच्छे आए, तो स्कूल वालों ने भी काफ़ी सपोर्ट पे मुझे किया, मतलब मेरी जो टीचर्स और प्रिंसिपल्स थी, एंड पेरेंट्स की साइड से तो ऑब्वियसली सपोर्ट था शुरू से। माय मदर हैज़ एन एकेडमिक बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने कभी भी इस गेम से मुझे डिस्करेज नहीं किया, अभी भी। अच्छा, वो मेरे मैचेस पे आती हैं अक्सर। एक और बात, स्कूल लेवल के बाद स्टडीज़ में कभी कोई मुश्किल हुई कॉलेज में यूनिवर्सिटी में? एडजस्ट करता है क्योंकि आप जब खेल की तरफ आते हो तो आपकी स्टडीज डिस्टर्ब होती हैं जी। एडजस्ट करना मेरे लिए मुश्किल था बिकॉज लाइक मेरा पढ़ाई में उस तरह से इतना इंटरेस्ट नहीं था जितना मेरा लाइक टेनिस और स्पोर्ट्स की तरफ था, बट ये कि आई वाज लाइक अ गुड स्टूडेंट, मैं अच्छी स्टूडेंट थी शुरू में भी, जब मैं व्हेन आई वाज इनिशियली इन माय अर्लियर एजुकेशन, तो मैं अच्छी पोजीशंस देती थी, बट देन बाद में व्हेन आई केम इनटू टेनिस तो वो इंटरेस्ट लेवल मेरा कम हो गया था टुवर्ड्स एजुकेशन एंड पढ़ाई। बट अल्लाह का शुक्र है आई कम्प्लीटेड माई बैचलर्स डिग्री दिस ईयर एज़ वेल, ग्रेजुएशन मेरी इस साल कम्प्लीट हुई है, एंड देन उससे पहले भी जो मेरे इंस्टीट्यूशन थे, मतलब लकास वाज माय इंस्टीट्यूशन जहाँ से मैंने अपना ONA लेवल्स किया था, एंड उसके बाद लाहौर ग्रामर यूनिवर्सिटी, जो उधर भी जो मेरे प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स थे सर राशिद, मतलब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया, और जो प्रोग्राम मेरा 5 to 6 years में कंप्लीट होना था, कंसीडरिंग माय टेनिस, उसको टाइम नहीं लगा, उसको एक्चुअली 3 years के अंदर ही मेरे टीचर्स ने मेड श्योर मैं डिग्री कंप्लीट कर दी थी। तो मुश्किल होता है बैलेंस रखना, बट आई थिंक इफ यू स्टे फोकस्ड एंड डेडिकेटेड तो हो सकता है। अच्छा, ये बताइएगा खेलों की दुनिया में आना कितना कोई प्रॉब्लम हुई आपको कभी? ऑब्स्टिकल्स आई वुड से यही आए थे मेनली कि अगर आप कंपेयर करें लाइक बाहर के मुल्कों से, तो जो अपॉर्चुनिटी लेवल है वो यहाँ पे जरा कम है, एंड बाकी एज फार एज माई फैमिली सपोर्ट इज कंसर्न, मतलब नहीं कर सकते, और फिर मेरे कोचेज भी जिन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया टूवर्ड्स माई टेनिस करियर, मतलब शुरू से जो भी मेरे कोचेज हैं, मतलब स्टार्टिंग फ्रॉम माई जूनियर लेवल टू वेयर आई एम टूडे, आई थिंक इट्स अ होल टीम वर्क, मतलब ऑल द टेनिस इंडिविजुअल स्पोर्ट है, बट इसके पीछे मतलब देर आर मैनी पीपल एंड देर इज अ टीम, लाइक माई फिटनेस ट्रेनर या जो
प्लेयर्स मुझे सपोर्ट या हेल्प करते हैं. तो इट्स अ होल टीम, इट्स नॉट वन पर्सन. परफॉर्मेंस ऑब्वियसली आप कोर्ट पे फिर आपने देनी होती है, पर उसके पीछे एक पूरी आई थिंक परफॉर्म हम लोगों ने करना होता है. जी टीम होती है, एंड देयर पीपल जो आपको मोटिवेट करते हैं, पुश करते हैं. सो आई एम ग्रेटफुल. जब तक आपको मोटिवेट नहीं किया जाता, आप कोई भी काम नहीं कर सकते, उसमें कामयाब नहीं हो सकते. अच्छा, एक और बात कि जब आप बाहर के ममालिक में जाती हैं तो लोगों का क्या रिएक्शन होता है, क्या रिस्पॉन्स होता है? शुरू आई रिमेम्बर जब मैं इजिप्ट गई थी और डिफरेंट, मैंने लाइक आई रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान इन 42 कंट्रीज, मैंने पाकिस्तान के लिए खेला हुआ है 42 नेशंस में. तो आई रिमेम्बर शुरू में जब मैं इंटरनेशनल सर्किट पे आई थी, अंडर 18 की भी बात है, तो जो यूरोपियंस वगैरह थे वो बहुत शॉक्ड होते थे सुन के कि पाकिस्तान जैसी कंट्री से कोई खेलता है टेनिस जैसी स्पोर्ट. बिकॉज फॉर देम इट्स वेरी कॉमन, जैसे हमारी क्रिकेट इधर कॉमन है, बट टेनिस जैसी स्पोर्ट पाकिस्तान पे उनको थोड़ा सा, तो दे हैड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस इन देयर माइंड. मतलब क्यूरियोसिटी उनको होती थी कि उनका एक सबसे पहला सवाल वो मतलब यूँ इशारा करके कहते थे आपको कवर करना पड़ता है सर. हाँ, मतलब इस तरह की उनकी आई थिंक पाकिस्तान का एक परसेप्शन होता है अराउंड द वर्ल्ड. सो बट आई मेड अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स इंटरनेशनली भी बिकॉज ऑफ टेनिस, और अल्लाह ताला ने मुझे अपॉर्चुनिटीज़ इस गेम की वजह से, मतलब मैंने बहुत ट्रैवलिंग की है. यूरोपियंस और फॉरेनर्स में काफ़ी चीज़ देखी है कि जब वो किसी को आगे बढ़ते हुए देखते हैं या वो एफर्ट करते हुए देखते हैं तो वो बहुत सपोर्ट करते हैं. तो शुरू से इवन जो मेरे फ्रेंड्स टूर पे बने थे, मतलब उनके मतलब दे ऑलवेज मेड मी फील गुड इन द सेंस कि वो अप्रिशिएट करते थे कि मैं इस तरह की गेम पाकिस्तान से उठ के इंटरनेशनली खेल रही हूँ. एंड लाइक एक सपोर्ट फील होता था हमेशा. बिल्कुल. और जब कोई आपको सपोर्ट करता है तो आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है कि यार ये मुझे सपोर्ट कर रहे हैं. जी ऐसा है. और मतलब लाइक अभी भी इफ आई गो ऑन द टूर, और का जो जज्बा होता है वो ज्यादा हो जाता है आपका. जी पुराने फ्रेंड्स मिले तो अच्छा लगता है. मतलब एक मेमोरीज आपने, इवन जो डबल्स मैचेस वगैरह में जीती हुई हूँ मतलब इंटरनेशनली, वो भी इफ आई लुक बैक तो लाइक देयर ऑलवेज गुड मेमोरीज. और अच्छा, असामुल हक आपके कजन है, तो उनसे कितना कुछ सीखने को मिला है, क्या क्या कुछ सीखा है आपने? इसाम खुद बिजी होते हैं अपने सर्किट पे काफ़ी, वो ट्रैवल काफ़ी करते हैं, बट जब पाकिस्तान होते हैं तो उनसे बात होती है. अभी इंशाल्लाह साफ गेम्स भी उनके साथ मिक्स डबल्स खेलने का इंशाल्लाह प्लान है. तो अपनी तरफ से ही गाइड्स व्हेन ही इज इन पाकिस्तान, बट ही इज बिजी अपने स्केड्यूल में. जब मैच जीती हैं आप तो उसके बाद कितनी खुशी होती है, सबसे पहले क्या करती हैं मैच जीतने के बाद? आई थिंक सबसे पहले आई कॉल माई मॉम, वो क्योंकि आई थिंक मेरी खाला भी हैं, मेरी अम्मी है, बट मैं अम्मी को सबसे पहले कॉल करती हूँ. एंड फादर भी, उनसे भी बात होती है, बट आई थिंक जो अम्मी के साथ मेरा एक कनेक्शन है मतलब. और आपकी मदर डॉक्टर हैं, आपको उन्होंने कभी नहीं कहा कि डॉक्टर डॉक्टरी की तरफ आ जाएं? माय मदर लाइक आई सेड शी हैज़ हैड एन एकेडमिक बैकग्राउंड, लेकिन उन्होंने कभी मुझे इस गेम से डिस्करेज नहीं किया. एंड दैट्स वन थिंग जो मैं उनके बारे में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ. शी इज़ अ स्पोर्ट्स लवर शुरू से, और अपने कॉलेज में भी शी यूज़ टू प्ले हॉकी एंड वॉलीबॉल, बहुत स्पोर्ट्स खेलती थी. तो मुझे कभी कभी बैठ फारिग वक्त में कहती हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे सके जो मिलनी चाहिए टू बिकम अ प्लेयर. तो आई थिंक वो भी एक चीज़ उनको फील होती है. तो आई थिंक वो भी एक रीज़न है दैट शी सपोर्टेड मी थ्रू आउट माई टेनिस करियर, क्योंकि उनको था कि जो अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिल सकें, इफ़ आई गेट दो तो मैं अपना पोटेंशियल. मामा थोड़ी सख्त है या नर्म है, डांटती हैं कि नहीं डांटती? डांट मतलब बचपन में ज़्यादा पड़ती थी, लेकिन अब किस बात में पड़ती थी? आई थिंक मैं शरारती काफ़ी थी, मैंने सुना अपनी बड़ी. हालांकि कहा जाता है कि लड़कियां शरारती नहीं होती. I've heard मैं बहुत शरारती होती थी बचपन में, मैं रेस्टलेस थी. आई थिंक इसीलिए शायद मैं स्पोर्ट्स में आई हूँ, क्योंकि मुझसे एक जगह टिक के नहीं बैठा जाता था. यूज़ टू रन अराउंड अ लॉट. तो बचपन में डांट ज़्यादा पड़ती थी. अब ये कि मेरी किस बात पे डांट पड़ती थी, कोई एक शरारत बता दें हमें भी. शरारतें काफ़ी की हुई है, बट मुझे अब याद नहीं. याद हो जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा डांट पड़ी हो? सबसे ज़्यादा डांट आई रिमेम्बर, मैं छोटी होती थी एंड आई वाज लाइक एक फुटबॉल, एक प्लास्टिक का फुटबॉल होता था, मेरे कजन्स वगैरह हम सारे उसके साथ खेलते थे. तो मेरी अम्मी ने बहुत रोका था घर के अंदर मत खेलो, तो हम फिर भी खेल रहे थे. तो वो आई रिमेंबर आई थिंक एक वास टूटा था और वो उस पर बहुत गुस्सा हुई थी मुझे. बट दैट्स नॉट अ शरारत, बट इट्स समथिंग दैट शी यूज टू स्टॉप अस फ्रॉम डूइंग, और फिर भी मतलब मैं करती थी तो उनको इस चीज़ का ज़्यादा होता था. बट आई थिंक शरारतें काफ़ी हैं, बट मुझे अभी इस वक्त याद नहीं आ रही. बट अब उनके साथ इट्स मोर ऑफ अ फ्रेंडली रिलेशनशिप नाउ. और अच्छी बात है, ऐसा होना चाहिए कि माओं के साथ आपको थोड़ा फ्रेंडली होना पड़ता है. और वैसे भी लड़कियाँ माओं के साथ ज़्यादा अटैच होती हैं. अच्छा, एक और बात ये बताइएगा, थोड़ा क्वेश्चन हम कर रहे हैं आपसे,
कि टेनिस के अलावा कौन सा खेल आपको पसंद है, आई थिंक रैकेट कभी स्पोर्ट्स, खेला? मुझे रैकेट स्पोर्ट्स या जिनमें स्किल वर्क होते हैं जैसे स्क्वाश, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, हॉकी, इस तरह की जो गेम्स हैं, इस तरह मतलब जिनमें इंटेंसिटी होती है, एंजॉय प्लेइंग दो स्पोर्ट्स. और टेनिस इज़ ऑब्वियसली अ वेरी इंटेंस बिल्कुल स्पोर्ट, तो आई थिंक उस तरह की स्पोर्ट्स मुझे पसंद हैं. बट जब भी मैं बाहर के मुल्कों में भी गई और मुझे अपॉर्चुनिटी मिले टू सी अदर स्पोर्ट्स, तो मैं वो छोड़ती नहीं हूँ. मतलब मैं जाके खेलने खेलना, कोई भी मौका हाथ का, से नहीं जाने सिर्फ देती खेलने का नहीं मतलब. बट देखने का भी मैं इंजॉय करती हूँ. तो आई रिमेम्बर जब मैं एशियन गेम्स भी गए थे तो हम सारे लाइक टेनिस टीम और भी एथलीट्स, हम पाकिस्तान इंडिया का हॉकी मैच देखने गए थे. देन जब अपॉर्चुनिटी मिलती है ऐसे टूर्स पे टू सी अदर स्पोर्ट्स, तो फिर वो भी पाकिस्तानी स्पेशली अगर खेल मौका रहे हाथ हो से नहीं तो. जाने देती मतलब कोई भी इंजॉयमेंट का. जी आई थिंक अच्छा, या एक और क्वेश्चन ये है कि आप ऑनलाइन गेम्स, क्योंकि अब बहुत ज़्यादा आ गई हैं, टाइम नहीं होता है, तो आप ट्रैवलिंग कर रहे होते हैं, तो मोबाइल पे कभी ऑनलाइन गेम कोई खेली हो? मैं टेनिस? वीडियो गेम्स बहुत बचपन में खेली हुई मैंने, तो अब खैर वीडियो गेम्स अब टाइम नहीं उस तरह से मिलता खेलने का. बट कभी कभी जब मेरे कजन्स के घर पे वीडियो गेम्स होती हैं तो कभी कभी जब मैं फारिग होती हूँ तो उधर आई प्ले समटाइम्स. या फिर उसके अलावा फ़ोन में मेरी इतनी गेम्स नहीं है. फ़ोन में इट्स मोस्टली लाइक सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह. बट आई थिंक एक वक्त में कैंडी क्रश बहुत एक बहुत इन हुई पॉपुलर गेम थी, थी. तो वो मुझे शौक था. फिर आई थिंक बीच में पबजी भी आई थी हाँ, शायद, पबजी भी आई थी वो बिल्कुल. बीच में आई थिंक वो बहुत हालांकि ही पबजी एडिक्टिव बहुत मुश्किल लगती है मुझे गेम. मुझे. लाइक मैं शुरू शुरू में आई रिमेम्बर जब मैं इस गेम में आई थी तो मुझे थोड़ा सा लगा था लाइक मुश्किल, बट देन एक आदत जब पड़ जाती है देन इट्स अ लिटिल बिट हार्ड. क्योंकि आई थिंक फ़ोन एडिक्शन भी एक इट्स समथिंग विच इज़ नॉट दैट हेल्दी, बट हाँ लाइक एक आदत पड़ बिल्कुल. जाती है घंटों आप. बट नाउ लाइक मैंने कम कर दिया है. बैनल कौमी सतह पर और पाकिस्तानी अगर टेनिस प्लेयर खेल को अगर हम देखें तो इसमें कितना फ़र्क है, कितनी सहूलियात दी जाती हैं आपको? क्योंकि बैनल कौमी सतह पर मेरे ख्याल से जो मुझे लगता है, जो मैंने फील किया है, वहाँ पर सहूलियात ज़्यादा होंगी, हालांकि पाकिस्तान में इतनी सहूलियात नहीं है. आपके मुताबिक क्या है? आई थिंक पाकिस्तान में पोटेंशियल काफ़ी है, ये बात शुरू से हमें पता है. एक पोटेंशियल है, टैलेंट है प्लेयर्स में काफ़ी, बट उस टैलेंट को आगे जाके ग्रूम करना एंड टू कन्वर्ट दैट इनटू रिजल्ट्स, उसकी रीज़न मैं कहूँगी कि लैक ऑफ इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन जो पाकिस्तान में हमारे अराउंड 10-11 ईयर्स से नहीं हुए. हमारा लास्ट जो इंटरनेशनल टेनिस फ्यूचर्स का एक इवेंट था ITF का, इंटरनेशनल टेनिस फेडरेशन का, वो आई थिंक वेमेन की मैं बात करूँगी, बैक इन 2009 हुआ था या 10 हुआ था. एंड उसके बाद जब श्रीलंकन क्रिकेट टीम पे अनफॉर्चुनेटली अटैक हुआ था तो जो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स पर एक बैन लगा था इतने साल, आई थिंक उसने काफ़ी प्लेयर्स की जो एक लाइफ है और एक होम ग्राउंड पे परफॉर्म करने की अपॉर्चुनिटी है वो ली थी. बैन तो मे बी अगर उन सालों में वो बैन ना लगा ना होता और लगा होता इंटरनेशनल तो स्पोर्ट्स होती पाकिस्तान में तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड इस वक्त और बेहतर होता. बट अभी भी आई से के आई वुड से के ऐसा ऐसा वो पॉइंट आ रहा है जहाँ पे इंटरनेशनल टीम्स आर कमिंग टू पाकिस्तान. जैसे अभी रिसेंटली बिल्कुल क्रिकेट टीम ऐसे आई है, रिसेंटली. अनफॉर्चुनेटली डेविस कप टाई हमारी इस साल पाकिस्तान में नहीं हुई है फॉर वॉट एवर रीज़न. आई डोंट नो ITF ने ऑल द दो दफ़ा आके सिक्योरिटी चेक ओके किया था इधर, ओके किया बिल्कुल बट ऐसी है अनफॉर्चुनेटली एंड में टाई जो है वो न्यूट्रल वेन्यू पे कर दी गई थी. तो ये भी एक डिसअपॉइंटिंग चीज़ चीज थी, थी बट वी प्लेयर्स के होप कि ये लिए, चीज़ और फ्यूचर में रिपीट ना हो और इंटरनेशनल टेनिस उम्मीद इवेंट्स की जा सकती है पाकिस्तान. कि फ्यूचर में ऐसा कुछ ना हो. स्पॉन्सरशिप की बात कर लेते हैं कि स्पॉन्सरशिप कितनी ज़रूरी है और पाकिस्तान में कितने मौके प्लेयर्स को दिए जाते हैं? अगर मैं अपनी बात करूं आई थिंक FFC को मैं आई वुड थैंक देम फॉर जी फर्टिलाइजर कंपनी. उन्होंने मुझे 3 साल अपना स्पोर्ट्स एम्बेसडर बनाया और जितने भी मेरे इंटरनेशनल ट्रिप्स थे दे स्पॉन्सर्ड मी फॉर दोज ट्रिप्स. और आई थिंक दैट्स वन ऑफ द रीजन्स कि मैं इंटरनेशनली अच्छा कर पाई हूँ. मतलब आई एम द फर्स्ट वर्ल्ड रैंक फीमेल टेनिस प्लेयर फ्रॉम पाकिस्तान. तो जब तक आप टूर्नामेंट्स बाहर जाके नहीं खेलते, आप एक्सपीरियंस नहीं लेते, आप जीतते नहीं हो तो आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ सकती. और उसके लिए लाइक टेनिस जैसी गेम जो एक्सपेंसिव है, जिसमें आपको ट्रैवलिंग इंटरनेशनली काफ़ी चाहिए, तो आई वुड थैंक FFC के वो एक मतलब उनके जो हेड थे आई रिमेंबर जनरल लोधी, वो टेनिस लवर भी थे और मुझे जूनियर टेनिस से मुझे फॉलो करते थे. तो ही सपोर्टेड मी और उन्होंने मुझे ही कैप्ट मी ऑन अ 3-ईयर कॉन्ट्रैक्ट. तो इस तरह की स्पॉन्सरशिप्स और आई थिंक जो खास पे प्राइवेट कंपनीज हैं, आई वुड से उनको प्लेयर्स को फंडिंग करनी चाहिए एंड स्पॉन्सरशिप्स प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि मैक्सिमम इंटरनेशनल एक्सपोजर हो. अभी और आपने खुद ही बोला है कि टेनिस एक काफ़ी महंगा गेम है, तो आपने इसको कैसे मैनेज किया था और अभी कैसे मैनेज कर रही हैं? क्योंकि स्टार्ट में तो आपको कंपनी ने स्पॉन्सर कर दिया था, तो अभी कैसे इसको मैनेज कर रही हैं? नहीं, शुरू शुरू में माय पेरेंट्स सपोर्टेड मी, फिर बैंक अल्फला से थोड़ा सा मेरा सपोर्ट था, बट देन आगे जाकर एज यू गो डीपर एंड
जैसे आप और टूर्नामेंट्स खेलते हो तो आपको अपनी रैंकिंग मेंटेन करने के लिए भी फाइनेंशियली इट्स एक्सपेंसिव. तो अभी भी मैं कहूँगी कि मेरा एक साल से मैंने इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स नहीं खेले, मैं मोस्टली नेशनल सर्किट पे फोकस कर रही हूँ और जो हमारी एशियन गेम्स या साफ गेम्स मतलब जो कंट्री रिप्रेजेंटेशन वाले इवेंट्स हैं उन पर मैंने फोकस किया है. बट एट द सेम टाइम आई वुड से कि फंडिंग इज़ इम्पॉर्टेंट, क्योंकि उसके बगैर ट्रैवलिंग बहुत मुश्किल हो सकती है. एंड आप अपने लाइक माई पेरेंट्स आर ऑल्सो प्रोफेशनल पीपल और मतलब दे आर लाइक नॉट लाइक बिलियनर्स के यू नो उस तरह से. सो जितना वो सपोर्ट शुरू में कर सके थे. ये बता दीजिएगा कि मुस्तकबिल में अपने आप को कहाँ देखती हैं और जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, और उसके अलावा जो यंगस्टर प्लेयर आ रहे हैं टेनिस में उनको भी क्या मैसेज देना चाहेंगी? अभी लाइक आई सेड हमारी साफ गेम्स इंशाल्लाह आ रही हैं दिसंबर, तो उस पर फोकस है कि पाकिस्तान के लिए उधर इंशाल्लाह मेडल जीत के आएँ. और उसके अलावा जो नेशनल एक्टिविटी है वो हमारी चलती रहेगी बीच में, फिर नेक्स्ट ईयर फेड कप भी है इंशाल्लाह इन मार्च आई थिंक. तो ये कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो मुझे अपनी फ्यूचर में भी फ़िलहाल नज़र आती हैं. एज़ फार एज़ यंग टैलेंट इज़ कंसर्न, मतलब मैं ये कहूँगी कि हार्डवर्क इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. आई थिंक हार्डवर्क के बगैर यू कैन नॉट अचीव योर गोल्स, और कोई शॉर्टकट नहीं होता. तो मैं ये कहूँगी कि जो अगर टेनिस या कोई भी स्पोर्ट आपका पैशन है उसके लिए आप मेहनत करो, एंड श्योरली अल्लाह ताला विल रिवॉर्ड यू फॉर दैट. थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए. नाजरीन, ये था आज का प्रोग्राम और हमने आपको मिलवाया उष्णा सुहेल टेनिस प्लेयर से. अगले प्रोग्राम के लिए नए मेहमान के साथ हाजिर होंगे, तो हमें दीजिएगा इजाज़त. अल्लाह हाफिज़.